हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि यूपी स्कॉलरशिप के पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं, और अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो कब तक डेट एक्सटेंड होने की संभावना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ही होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं कि आप लोग कहाँ से चेक कर सकते हैं कि डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं, प्लस हम आपको बताएंगे उसके बाद कि जो डेट एक्सटेंड हुई है किन छात्रों की हुई है, क्योंकि आपके रेगुलर कल शाम से कमेंट्स आ रहे हैं जब से मैंने डेट एक्सटेंड वाली वीडियो डाली है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहां पे सिंपली नीचे आना है, आपको यहां पे यूपी स्कॉलरशिप 2021 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है। स्क्रॉल करते हुए जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं जहां पर आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्लस आप लोग यहां से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं जैसे ही आपका स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा। बात आती है कि डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं, तो देखिए डेट तो एक्सटेंड हुई है मगर प्री मैट्रिक के छात्रों की। अब बात आती है कि प्री मैट्रिक में कौन से छात्र आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है, प्री मैट्रिक में क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स आते हैं, यानी कि 9वीं कक्षा एंड 10वीं कक्षा के छात्र प्री मैट्रिक में आते हैं। तो प्री मैट्रिक का जो पोर्टल था वो 12 अक्टूबर की रात में क्लोज कर दिया गया था, मगर कल यानी कि 13 अक्टूबर 2021 को जो पोर्टल है वो दोबारा से ओपन हो चुका है। किस डेट तक ओपन हुआ है ये अभी क्लियर नहीं है, तो आप लोग तुरंत फॉर्म फिल कर दिए क्योंकि अब स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी तो सर डेट एक्सटेंड हो गई, हम एक हफ्ते बाद फॉर्म फिल कर दें, दो हफ्ते बाद फिल कर दें, तो आप लोग इसका वेट मत करिए क्योंकि वेबसाइट का जो सर्वर है वो काफी ज्यादा डाउन है। अब बात आती है कि पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, तो देखिए 18 अक्टूबर तक आपको पहले वेट करना होगा, उसके बाद डेट एक्सटेंड होगी या नहीं इस पर अपडेट आने की संभावना है। पिछले साल भी पोर्टल क्लोज हो गया था, उसके बाद करीब 10 दिन बाद दोबारा से पोर्टल ओपन किया गया था, जैसा कि आपको याद होगा दिसंबर में या नवंबर में पोर्टल ओपन हुआ था। तो आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए, अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, मगर संभावना ये है कि डेट एक्सटेंड ज़रूर होगी क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं, काउंसलिंग चल रही है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लिए क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी तो आपसे मिस नहीं होगी, प्लस आप लोग हमें जाके ट्विटर पर फॉलो कर लिए। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो हम कंपेन चलाएंगे ट्विटर पर, तो वहाँ पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।